आधी सीटों पर अब चुनाव बहन और बेटियां लड़ेगी, वहां भैया खड़े नहीं हो सकते। बोलो मैंने सही किया कि नहीं? अरे बहनों तुम तो बोल दो सही किया कि नहीं, और भैया तुम गुस्सा तो नहीं हो रहे? अरे बहनों को भी राज करने तो भाई, हम कन्या की पूजन करते हैं, देवी माँ की पूजन करते हैं, तो बहनों को भी आगे बढ़ ले। तो इतने नहीं, पुलिस में पहले बहने होती नहीं, पुलिस में आदमी आदमी होते। हमने तय किया 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों के करेंगे, ताकि बेटियां पुलिस में भी आए और बहनों की तकलीफें दूर करें। एक काम और किया मैंने, वो भी बता देता हूं। पहले मकान दुकान खेत अगर खरीदना हो तो कौन के नाम पर खरीदना? घर का मुखिया जो भी होता, रामलाल के नाम, श्यामलाल के नाम, कोई सीता गीता के नाम खरीदता था क्या? नहीं खरीदते थे। मैंने पर्ची लगाई मेरी कि अगर बहन के नाम कोई खेत मकान दुकान खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा, 1%। भाई के नाम खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा, तो वैसे नहीं खरीदते। अब जमीन खरीदते होते तो कहते हैं राजू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूँ, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो मेरी बहनों के नाम जमीन क्यों नहीं लगी? देखो बहनों, तुम्हें भी आगे बढ़ाना, स्त्री और पुरुष बराबर, बेटा बेटी बराबर है, और इसलिए बहनों की तकलीफ दूर करने के लिए एक योजना ऐसी बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत दिनों से सोच रहा कि कई काम तो किए हैं, लेकिन बहनों को दुखी नहीं रहने देना है, मजबूर नहीं रहने देना है। और जो 1500 की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, माए में जा रही है 1000 रुपया दे दो, और सामने डांट दिया कि जब तक गुमान की रहती नहीं तुम लड़का की नहीं। मैंने तय किया कि ऐसा काम करो जिससे बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मेरी बहनों, देखो मैं भी तुम्हारा भैया हूं, मैं परिवार चलाता हूं, सरकार भी चलाता, सरकार भी चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। बताओ भाई और बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? अरे जोर से बताओ, भैया हूं, मामा हूं भाजे भाजियों का। और इसलिए मेरे मन में यह विचार आया, शिवराज बहने भाई को राखी बांधती है, रक्षा बांधती है, तो भाई कितना कुछ देता है, कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसे देगा, तू भी तो भैया है, तू भी तो अपनी बहनों के लिए कुछ कर। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। फिर एक बात और आई कि यार साल में एक बार देने से काम हो गया, बताओ एक महीने से काम चलता है क्या? मेरी बहनों बोल के बताओ ना, चलता है क्या? और इसलिए इनका जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह आती है, वैसे ही हर महीना बहनों के खाते में पैसे डालूंगा, हर महीना। और तय किया कि हर महीने 1000 डालूंगा, 1000 से शुरुआत करी थी मैंने, मेरी मैंने बहुत ही धारे 1,32,00,000 रुपये पोर्टल खोल के उनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। फिर मेरे पास कई बेटी आई कि मामा हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आजकल शादी जरा बाद में होती, बड़ी उम्र में तो तुम बहनों को तो दे रहे, भाइयों को क्यों छोड़ रहे? तो अब ये भी कह दिया है 21 साल से ऊपर की उम्र की बेटियों के खाते में भी पैसा डाला जाएगा। क्रांति है, क्रांति मेरी बहनों, 1,32,00,000 बहनों के खाते में अगर 1,000 रुपये डालना है तो कितने पैसा लगते हैं पता है? एक साल में 15,000 करोड़ रुपया कितने लगेंगे? 15,000 करोड़। बताओ भाई और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कभी कांग्रेस ने दिए थे क्या? कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बदल हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए।
बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, दुख तकलीफ ना रहे, उनको आंसू ना बहाना पड़े। जरा जरा सी चीज की जरूरत पड़ गई, बेटा बेटी आए और माँ के गोद में बैठ गए और बेटी का मम्मी राग दिला दो, माँ के पास पैसे नहीं है, बेटा इनका किताब दिला दो, कोई इनका खिलौने दिला दो, तो माँ पूरी नहीं कर पाती। और जब बच्चों की मांग पूरी नहीं कर पाती थी तो माँ की आंखों में आंसू आते थे, मजबूरी के बोलो आते थे कि नहीं आते थे। सोचती थी काश मेरे पास पैसा होते तो मैं भी कुछ ना कुछ खरीद के बच्चों को दे देती, अपनी छोटी मोटी जरूरत पूरी कर लेती। और इसलिए इस योजना से उनकी मजबूरी दूर हुई है। मेरी बहनों बताओ कैसी अच्छी योजना है कि नहीं, बोल के बताओ, जीवन बदला है कि नहीं। मैंने पूछा क्या बदलाव आया, तो मेरी बहन बोली कि मामा आजकल तो सास बहुत प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, और बोले कहती रोटी में घी चुपड़ो, बहू के पैसा तो आ रहे। एक बहन ने मुझे कहा कि हमारे सास भी आजकल पत्नी बहुत अच्छा बोलते हैं, बप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे भी आए। देखो पैसे से संभाल, पैसे से आप विश्वास पड़ता है। और इसलिए मेरी बहनों, ये पैसा नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, मेरी बहनों को मान दिया है। और मेरी बहन ने दिए थे प्यार, मेरे बहनों के पाँव धोए, ये बहन के लिए भैया नहीं भैया, अरे मेरे तो देवी के काम पाँव नहीं धोता। और पाँव धो के मैं संदेश देता हूँ पूरे प्रदेश और देश को, बहन बेटी की इज्जत करो, क्योंकि उनकी इज्जत के बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। यही हमारी संस्कृति कहती है, यही हमारी संस्कृति कहती है। और बहनों भाइयों सुन लेना, हजार से बढ़ा के सारे लेकिन यहाँ रुपया थोड़ी जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500 रुपया करोगे, और फिर और इंतजाम करूंगा 1250 से 1500, 1500 से 1750, और फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा, अरे जोर से बोलो।